का विरोध भी किया था। इसे देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। तहसीलदार की मौजूदगी में यहां लगातार किए जा रहे अतिक्रमण को हटा दिया गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से लगातार अतिक्रमण की वजह से सड़क जाम और गंदगी भी लगातार बढ़ती है। इधर बिलासपुर से भी खबर आपको बताएं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। अतिक्रमण के खिलाफ बेहद बड़ी कार्रवाई, क्योंकि अवैध मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम ने 742 घरों पर यह बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। चांटी डीह के मेलापारा इलाके में यह कार्रवाई हुई। निगम दस्ता स्थानीय लोगों में जमकर विवाद की स्थिति भी बन गई। तनाव के बीच बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। मौके पर पुलिस बल की भी तैनाती बड़ी संख्या में देखी गई। बिलासपुर में नगर निगम की अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार जारी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं चाटीडीह मेलापारा मौजूद हूं और यहां पर उन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है जो काफी सालों से यहां पर था, और इसकी जगह पे नगर निगम ने अशोक नगर में एक अटल आवास बनाकर इनको शिफ्ट किया। लेकिन चूंकि 1160 लोग हैं, ऐसे में संख्या यहाँ पर लोगों की ज्यादा है, तो पूरे लोग जो है वो शिफ्ट नहीं हो सके हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और लोगों को यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बोलूं सर, घर ही नहीं मिला है तो रोड में ही रहेंगे आप। और कौन है जिसका मकान नहीं मिला? आप कहाँ रहती है? हाँ, तो मकान नहीं मिला आप लोगों को? नहीं सर। क्या चाहते हो आप लोग? मकान देवे तभी तो बन, कहाँ रहे? एक ही का मकान तोड़ रहे हैं। तो कोई सूचना नहीं थी निगम की? कले तो दिए है। कले दिए, आग दिए। कितना परिवार होगा टोटल यहाँ पे? हम लोग हैं, बहुत घर है अभी तो जी। बहुत घर है, सबको वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, इनको आवंटन आदेश दे दिया जा चुका है, अब इन लोग शिफ्ट हो रहे हैं प्रधानमंत्री आवास। मानसून आ गया है, ऐसे में इस समय इन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका जीवन बसन गुजर बसर कहाँ होगा, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि निगम जरूर ये कह रहा है कि उन लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है जिन लोगों को मकान नहीं मिला है, ताकि उनको मकान दिया जा सके। फिलहाल अभी समस्या बहुत बड़ी है इन लोगों के सामने। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए बताइए। निगम कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया, लोगों के मकान गिरा भी दिए गए, 700 से ज्यादा मकान गिरा दिए गए, और फिर निगम कह रहा है कि अब हम ये चिन्हांकित करेंगे कि ऐसे लोगों को जिनको मकान नहीं मिला है उनको उनकी स्थिति क्या है, कैसे शिफ्ट किया जाए। बढ़ते आगे और बात करेंगे अब जांजगीर चांपा की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर एक बार फिर से भू विस्थापितों का प्रदर्शन देखने को मिला। जिले के नरियरा में KSK महानदी पावर प्लांट के खिलाफ भू विस्थापित लामबंद हो चुके हैं और गेट के सामने बैठकर धरना दिया। भू विस्थापितों के आंदोलन के बाद प्लांट की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लेकिन आंदोलनकारियों से चर्चा करने के लिए प्लांट प्रबंधन से कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहे। 3 दिन तक हमारी धरना आंदोलन चली है और उसके बाद जिला प्रशासन और प्लांट प्रबंधक के द्वारा हम लोग को बोला गया कि 1 हफ्ते के भीतर सारी मांग आपकी पूर्ण कराई जाएगी, तो हम लोगों ने धरना आंदोलन अपना समाप्त किया था। और चूँकि अभी इतने दिन हो गए हैं आचार संहिता था, तो हमने अपना आगे ठोस कदम नहीं बढ़ाए थे। अब आचार संहिता खत्म हो गई है, तो हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आज दिनांक तक हमारी किसी प्रकार का कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ है और 10 जून को हम प्रशासन, कलेक्टर साहब, SP साहब, SDM साहब को हम अवगत कराएं कि हम ज्ञापन दिए थे कि सर हमारा आज तक कोई भी मतदाता का मांग पूरा नहीं हुआ है और हमारी मांगों को अगर किसी तहत नहीं सुना जाएगा तो हम गेट के सामने शांतिपूर्ण धरना आंदोलन करेंगे। उसी सिलसिले हम बढ़ाते घर आगे बढ़ाते हुए हम आज धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण यहाँ प्रकट कर रहे हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त बना दिए गए हैं। सेवा निवृत्त IAS अजय सिंह की नियुक्ति कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं अजय सिंह। राजधानी रायपुर में नकाबपोश की दहशत है। कई कॉलोनियों में नकाबपोश की दहशत, 20 से ज्यादा घरों में घुसा नकाबपोश शख्स 10 फीट ऊंची दीवार लांघ कर घर में घुसा और नकाबपोश ने किसी भी घर में चोरी नहीं की। नकाबपोश ने रेकी की या बड़ी वारदात की तैयारी है, यह भी सवाल है।
राजनांदगांव से खबर, पद से हटाई गई कुलपति ममता चंद्राकर को पद से हटाया गया। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति हैं ममता चंद्राकर, जिनको हटा दिया गया है। राजभवन रायपुर से आदेश जारी हुआ है, राज्यपाल के सचिव ने आदेश जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनांदगांव से पद से कुलपति ममता चंद्राकर को हटा दिया गया है। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की वे कुलपति थी और अब उन्हें पद से हटाया गया है। राजभवन रायपुर से आदेश जारी किए गए हैं, राज्यपाल के सचिव की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि उनको पद से हटाया जाता है। कुलपति के पद से ममता चंद्राकर को हटाया गया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, पद से हटाया गया। अब क्या इसके पीछे कारण है, ये तो अभी जानकारी साफ तौर पर निकल कर नहीं आई है, कुछ ही देर में पूरी जानकारी भी आ जाएगी क्या इसके पीछे कारण बताए गए हैं। लेकिन ममता चंद्राकर जो इंदिरा कला विश्वविद्यालय की कुलपति, संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जिसकी अपने आप में ख्याति है, और यहाँ पर जो कुलपति हैं उनको हटा दिया गया। कारण क्या रहे ये अभी चीजें साफ होनी बाकी हैं। विस्तृत आदेश जब सामने आएगा तब ये पूरी जानकारी निकल कर आ पाएगी। राकेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं कि क्या आदेश है, क्या क्यों ये हटाया गया इनको। राकेश देखो, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मोक्षदा चंद्राकर मतलब ममता चंद्राकर कुलपति खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की थी, जिन्हें आज हटा दिया गया है। यह आदेश राजभवन से जारी हुआ है, राज्यपाल के सचिव ने यह आदेश जारी किया है। और किन कारणों से इनको हटाया गया है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब इन्हें कुलपति बनाया गया था, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री थे उस दौरान इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का। और अभी सरकार चेंज होने के बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिनके कारण इन्हें हटाया गया है। और इनके खिलाफ एक शिक्षक थे, वो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सत्याग्रह कर रहे थे खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के सामने। तो विस्तृत जब आदेश आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि इन्हें किन कारणों से हटा दिया गया है। फिलहाल राजभवन से इनके लिए आदेश जारी कर दिया गया है, कुलपति को वहां से हटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जशपुर में मंचले की पिटाई का वीडियो सामने आया है, दो बहनों ने मंचले युवक की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। आरोपी दोनों बहनों से छेड़छाड़ करता था, आरोपी के घर पहुंचकर दोनों बहनों ने उसकी चप्पल से पिटाई कर दी। मंचले की पिटाई का वीडियो भी अब सामने आया है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे ने सलवा जुडूम से विस्थापित हुए आदिवासियों को फिर से बसाने की मांग रखी है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सलवा जुडूम की वजह से 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों ने अपनी जमीन छोड़ दी थी, जो सालों से घर वापसी के इंतजार में अब भी बने हुए। इसके लिए उन्होंने सरकार से नीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार को पत्र लिखकर विस्थापित आदिवासियों को बसाने की मांग की गई थी। आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे कि अभी की हालिया स्थिति क्या है और इस पर आगे इनका रणनीति क्या होगा। सलवा जुडूम के बाद बहुत सारे आदिवासी जो हैं वो क्षेत्र छोड़ने में मजबूर हो गए, इसको लेकर केंद्र सरकार से भी आप लोगों ने गुहार लगाई थी, उसको लेकर पत्र भी आया था राज्य सरकार के पास। तो वो पत्र कब आया था और वो प्रक्रिया अब तक क्या हो पाई है? देखिए, ये बात सही है कि सलवा जुडूम के बाद करीब 2.5 से 3 लाख लोग उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में जाके बसे हैं, लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको वापस किया जाए, क्योंकि दूसरे प्रदेश में जाकर रहना बहुत मुश्किल काम है, वहाँ भी स्थापना होना। केंद्र सरकार से भी बातचीत हुई और एक चिट्ठी भी जारी किए थे उन लोग कि स्टडी करके उसका प्रोजेक्ट बना के दिया जाए करके, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुआ और ना ही कोई चर्चा हुआ। ये चिट्ठी केंद्र सरकार के द्वारा कब जारी हुई थी?
वो 1-1.5 साल हो गया है जी। क्या था उसमें? उसमें यही था कि सर्वे कर बताया जाए और कितने लोग कहाँ से कहाँ पर हैं और उस वस्तु इसी से अवगत कराए करके। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, क्या कांग्रेस की सरकार से आप लोगों की बात हुई थी? हाँ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हम लोग ने मांग भी किया था और एक संस्था भी है उसने भी उस पर कार्यवाही किया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, ना कोई मीटिंग की जानकारी हुई, जिसके कारण अच्छा हमारे पास आवेदन भी है 5,000 लोगों का कि हम आना चाहते हैं, तो सिर्फ आदिवासी आज तक आश्वासन से ही जिंदा है। ये थे आदिवासी नेता जिन्होंने कहा है कि सलवा जुड़ूम के बाद जो है 5,000 से ज़्यादा आदिवासी बाहर क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र में बसाने की ज़रूरत है। राज्य सरकार से मांग की है कि इन्हें जगह दिया जाए, बसाया जाए, ताकि आदिवासी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो सुरक्षित रहा जा सके, संरक्षित उसको किया जा सके। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।